हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा शाहरुख खान की ये वाली फोटो का स्केच। बिल्कुल परफेक्टली स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। और इस रेफरेंस फोटो को चूज़ करने में ही मुझे 1 आवर से ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसमें खास ये है कि मैंने ये चूज़ इसलिए की क्योंकि एक तो आपको ये ड्रॉ करने में ईजी होगी, थोड़ी सिंपल है लेकिन ड्रॉ करने में अच्छी भी लगेगी काफ़ी, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा है। फेस लाइट शेडिंग होगी फेस में और बियर्ड और मूछें भी है इसमें, तो डार्कनेस कंट्रास्ट सब सही रहेगा इस फोटो में। और फोटो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये स्केच ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से ग्रिड ड्रॉ करनी है जिसमें होंगे 7 रोज और 5 कॉलम्स। ठीक है, 7 रोज 5 कॉलम्स और एक स्क्वायर का साइज होगा 2 सेंटीमीटर, मतलब इसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर होगी स्क्वायर की। तो आप मल्टीप्लाई करके टोटल लेंथ ब्रेथ निकाल लेना रेक्टेंगल का। इंपॉर्टेंट रोज और कॉलम्स हम पहले साइड पे मार्क कर लेंगे हल्के से, तो वो हो गए 3rd row 4th 5th 6th और कॉलम होगा 2nd और 4th। सो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 2nd और 4th कॉलम में आइज बनेंगी, 3rd row में आइज आएंगी, 4th में नोज, 5th में मूछे और 6th में लिप्स। स्टार्ट करते हैं हम आइज से, पहले फर्स्ट आई बनाते हैं यहाँ पे इस वाले कॉलम में। सो ये वाला जो कॉलम है इसका अप्रॉक्सीमेटली हाफ लाइन, इसके बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली हाफ पे ऐसे हल्के से एक लाइन बना लेंगे हम रेफरेंस के लिए, ऐसी अंदाजे से, कोई ज़रूरी नहीं है ये लाइन बनाना, बस फिर भी हम बनाएंगे इसके ऊपर आई बनेगी। रेफरेंस फोटो में अच्छे से आई की शेप को ऑब्जर्व करना और वैसे ही बनानी है जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से इसको ऐसे बनाना है। अब इस तरह से एक आई की आउटलाइन बन जाएगी। अब इसके ऊपर आईब्रो बनाएंगे, आईब्रो की बस लाइट सी आउटलाइन बनानी है, जब शेडिंग करेंगे तो तब आईब्रो अच्छे से बनाएंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी आई की आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो बनेगी इस वाले कॉलम में। तो इसमें भी पहले अप्रॉक्सीमेटली हाफ पे ऐसे हल्की से एक लाइन ड्रॉ कर लेना। अब इसके ऊपर ही हम आई बनाएंगे जैसे यहाँ बनाई थी। आई के ऊपर थोड़ा सा गैप छोड़ के ऐसे एक लाइन सी बनानी है। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे आईब्रो, बिल्कुल लाइट आउटलाइन। सो ऐसे दोनों आईज की आउटलाइन बन जाने के बाद अब हम नोज की लाइट सी आउटलाइन बनाएंगे। हम देख सकते हैं नोज की ज्यादा आउटलाइन है नहीं, बस इसमें शेडिंग करने से ही हम इसकी शेप बनानी, बट फिर भी थोड़ा बहुत हम बना लेंगे ताकि हमें बाद में आइडिया रहे कि शेड कहाँ पे करना है, तो वो हम बनाएंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ बनाएंगे हम नॉस्ट्रिल्स, तो नॉस्ट्रिल बनेंगे ये जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स इन क्रॉसिंग जो हो रही है लाइन्स की, यहाँ से हम नॉस्ट्रिल्स बनाएंगे क्योंकि हम देख सकते हैं कि आइज़ के बिल्कुल नीचे नोज होता है यहाँ पे, तो ऐसे ही हम आइडिया लेके यहाँ नॉस्ट्रिल्स बना लेंगे। तो नॉस्ट्रिल्स के दोनों साइड्स पे हम नोज़ की शेप की रफ आउटलाइन बना लेंगे। इस तरह से नोज़ की आउटलाइन भी बन जाएगी। अब हम बनाएंगे लिप्स। लिप्स ड्रॉ करने के लिए हम देख सकते हैं कि नोज़ टिप के बिल्कुल नीचे आके हमें ऐसे एक छोटी सी वी शेप सी बनानी है अपर लिप की, तो पहले हम वो ड्रॉ करेंगे। और हाँ, ये बनेगा 6th वाली रो में।
अपर लिप बन जाने के बाद अब लोअर लिप बनाएंगे, और लोअर लिप बनेगा इस लाइन के अप्रॉक्सीमेटली हाफ तक। इस तरह से लिप्स की आउटलाइन भी बन जाएगी, रफ आउटलाइन है ये, बाद में हम इसकी शेप ठीक करेंगे जब शेडिंग करेंगे। थोड़ा सा इस लाइन को मैं थोड़ा सा नीचे बनाऊंगा, अब लिप्स और नोज के बीच में हम मूछों की रफ आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। लिप्स के नीचे थोड़ी सी जो बियर्ड है पहले हम वो बना लेंगे चिन पे। अब मूछों के नीचे हम बियर्ड को एक्सटेंड करेंगे और बियर्ड की आउटलाइन बनाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ रफ आउटलाइंस बना रहे हैं हम, बिल्कुल एग्जैक्ट शेप अभी हमें बनाने की जरूरत नहीं है। आउटलाइंस हम सिर्फ आइडिया के लिए बनाते हैं कि हमें शेडिंग कहाँ पे करनी होती है, तो शेडिंग के टाइम शेप ठीक हो जाएगी जहाँ पे भी हम थोड़ी ऐसे रफली बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी बनाएंगे हम। थोड़ी सी बियर्ड जो नीचे रह गई है उसको हम बना लेंगे, ग्रिड के थोड़ा सा बाहर बनेगी ये इस तरह से। अब फेस की शेप को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करके हम फेस की आउटलाइन कंप्लीट करते हैं पहले। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब स्लाइटली हमें ऐसे अंदर की तरफ कर्व करना है इसको, अब इस तरफ से बनाएंगे। अब ऊपर फोरहेड की शेप भी हम कंप्लीट कर लेंगे ग्रिड से थोड़ा सा बाहर। मार्किंग जो की थी उसको हम इरेज कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे कानों की आउटलाइन और उसके बाद हम बालों की आउटलाइन बना के कंप्लीट कर देंगे इसको। तो कान हम बनाएंगे, हम देखते हैं जो आई है ये वाली, इस आई के इस लेवल पे अब कान आ रहा है मेरे हिसाब से, तो हम यहाँ बना लेंगे। और दूसरा कान बनेगा आईब्रो के लेवल पे, यहाँ पे। इस तरह से कान भी बन जाएगा। अब हम बालों की आउटलाइन कंप्लीट करेंगे और यहाँ से भी कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस मैंने बालों की शेप ऐसे जल्दी जल्दी में बनाई है, जब मैं शेडिंग करूंगा तब मैं ठीक कर लूंगा। आप चाहे तो पहले ही ठीक से बना सकते हो, मैंने ये जल्दी में ऐसे बनाई है। अब हम बनाएंगे नेक और थोड़े से जो क्लोथ्स बनाने हैं उसकी शेप बना लेंगे। तो पहले नेक बनाते हैं। नेक बनेगी यहाँ पे, और दूसरी साइड से बनाएंगे हम यहाँ, ऐसे बना लेंगे। अब यहाँ पे हम कपड़े भी बना लेते हैं। यहाँ पे बाल और बियर्ड ओवरलैप हो रहे हैं तो ये हम ठीक कर लेंगे शेडिंग के टाइम। बस ऐसे हमें बना लेना है, बाकी हम शेडिंग के टाइम अच्छे से बनाएंगे। जैसा मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि ये सिर्फ रफ आउटलाइन है और ये कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो, ये रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप अभी से ही। अब बस हमें ग्रिड लाइंस को इरेज कर देना है। ग्रिड लाइंस को मैंने इरेज कर लिया अच्छे से, और जो भी कोई मिस्टेक होगी थोड़ी सी आउटलाइन में वो हम ठीक कर लेंगे। अभी मेरे को बस एक ही लग रही है कि यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा राउंड सा हो गया, बाकी और कोई मिस्टेक जो होगी वो हम शेडिंग के टाइम ठीक करेंगे। जैसे इस तरफ भी थोड़ा सीधा सा था तो इस तरफ भी वैसे ही बनाएंगे। सो गाइस आउटलाइन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगा इसमें शेडिंग कैसे करनी है, कहाँ पे कौन सी पेंसिल्स यूज़ करनी है, हेयर कैसे ड्रॉ करने हैं। सब्सक्राइब करना चैनल को, इसी तरह के और ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे काफ़ी सारे। नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूँ, उसमें हम इसमें शेडिंग करेंगे और स्केच को करेंगे कंप्लीट। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक करना वीडियो को अगर हेल्पफुल लगी हो तो,
और मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में।